गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं आपको साकिब और अपने चैनल ट्रैवल टू नाइट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मेरा 34th व्लॉग है और हम स्टार्ट करते हैं अभी। सुबह का टाइम है और कल जो है वो जुम्मा मुबारक था, आज सैटरडे है। इसके लिहाज से जो है आज अपना काम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन है इन ड्राइवर के डैशबोर्ड पे, क्योंकि सैटरडे आज थोड़ा सा स्लो काम रहेगा काम की तरफ से ना, सर्वर थोड़ा सा स्लो होता है, डाउन होता है, इसी वजह से जो है क्या नाम देते हैं थोड़ा सा भी मैं अर्ली ऑन निकला हूँ, ताकि अर्ली ऑन निकलूँगा तो टाइम से जो है वो काम कर सकूँ, साथ आप लोगों के साथ काम शेयर करता हूँ, साथ साथ लोगों के साथ बातें करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं काम के काम को देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस टाइम इन ड्राइवर के डैशबोर्ड पर, फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो दोस्तों फाइनली मुझे फर्स्ट राइड मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी फिलहाल मैं इधर से वादत रोड से मैंने जाना है लारी अड्डे जनरल बस स्टैंड, तो अभी चलते हैं पिकअप लोकेशन की तरफ, फिर उसके साथ बाद में जाना आप लोगों के साथ, ड्रॉप अप लोकेशन मैं शेयर करूँगा। ठीक है, एमरजेंसी वाली साइड पे या आउटडोर वाली साइड पे? आउटडोर। हाँ जी, तो दोस्तों मैंने अपनी सेकंड राइड को ड्रॉप कर दिया इधर गंगाराम हॉस्पिटल, गड़ीशोर से पिक किया था और उसको गंगाराम में मैंने ड्रॉप किया है। तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा पी लूँ, क्योंकि काम जो है वो भी साथ साथ ही चलता रहेगा, पूरा दिन अभी पड़ा हुआ, नाश्ते की भी तलब हो रही थी, तो फिर मैं फ़िलहाल कुछ खा पी के तो फिर उसके बाद जो है मैं दोबारा काम के लिए जो है वो निकलता हूँ, तो साथ साथ काम भी करूँगा, साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। हाँ जी, तो अभी फ़िलहाल मैंने अपना जो है खाने पीने का प्लान जो है वो पोस्टपोन किया है, तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि अभी काम कर लूँ, तो बाद में फिर एक ही दफ़ा आराम से जाना, 1-2 बजे के करीब खाना खाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल राइड की सर्च कर रहा हूँ, तो मिल नहीं रही अभी फ़िलहाल, जैसे मिलती है फिर आप लोगों के साथ जो है वो प्रॉपरली शेयर करता हूँ। तब तक वेट करते हैं, क्या कर सकते हैं जी। तो आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, वो ये बात करनी थी कि अभी पिछले चंद दिनों से जो है ना मुझे बड़े अजीबोगरीब जो है वो कमेंट सुनने को मिल रहे हैं और अजीबोगरीब बातें सुनने को मिल रही है, बट जो भी बात करता है वो मेरे मुंह पे नहीं करता, पीठ पीछे करता है। ठीक है, तो मुझे किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, बस ये चीज़ एक सुन के दुख हुआ कि आप लोगों ने जो भी बात करनी है आप मेरे मुँह पर करो, आप मुझे फ़ोन करके बोलो, जो भी लोग हैं जो मेरा स्टेटस देखते हैं या जो भी कोई मेरा मजाक उड़ाता है, तो मुझे किसी किस्म के किसी के मजाक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि
आज मजाक बन रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने इज़्ज़त देनी है, मुझे आपके मजाक से कोई परवाह नहीं है, आप मजाक करो चाहे जो मर्जी करो, मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, मैं अपना काम जारी और सारी रखूँगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज है मेरा कि मैं तो अपना काम नहीं है छोड़ने वाला, तो बाकी जो है अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह ने जिस तरह से भी मेरी कामयाबी और मेरी सक्सेस जैसे भी लिखी हुई है वो मुझे मिलेगी। तो मुझे फाइनली राइड मिल गई है, थर्ड छोटी राइड है, इधर से करतबा चौक से मैंने पिक करना है उसको और ड्रॉप करना है मेंटल हॉस्पिटल जेल रोड पे, तो अभी फ़िलहाल उसकी पिकअप लोकेशन पे जा रहा हूँ। जी तो दोस्तों मुझे अब अपनी नेक्स्ट राइड मिल गई है, मैंने वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल ड्रॉप कर दिया है, अब वहाँ से मैं आगे इधर शादमान वाली साइड पे जा रहा हूँ, यहाँ से जो है मैंने राइड पिक करनी है और उसको ड्रॉप करना है हफीज सेंटर वाली साइड पे। तो अभी फ़िलहाल मैं पिकअप लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ, फिर आगे उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ ड्रॉपअप लोकेशन भी शेयर करूँगा। हाँ जी तो मैंने अपने राइट टू एंटर दिए थे हफीज सेंटर गुलबर्ग में, तो अभी फ़िलहाल मैं जो है क्या नाम देते हैं नेक्स्ट राइड का वेट करता हूँ और पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ इधर, ये टोटल का पेट्रोल पंप है वहाँ से पेट्रोल डलवाऊँगा, उसके बाद जो है फर्दर नेक्स्ट राइड के लिए मैं देखता हूँ और साथ आपको मैं बताता हूँ। साथ हाल रोड कहाँ पर करके जाना है, मैन पर ही सिग्नल पे। यहाँ से बाहर निकलता रास्ता सीधा, वो सीधा रास्ता कर रहा हूँ इसी टाइम ही, तो मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, माइक भी बंद हो गया है, ओपन वॉइस में भी फ़िलहाल ये वॉइस नोट कर रहा हूँ,
तो इंशाल्लाह जो है मंडे को मुलाकात होगी आप लोगों के साथ दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने 35 ब्लॉग के साथ, और जो है क्या नाम लेते हैं अगेन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि किसी को जज करने से पहले, किसी को भी जज करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें, अपने काले करतूत देख लें, अपने आप को अच्छे तरीके से देख लें, फिर किसी को जज करें। ऐसे किसी को मुंह उठा के जज नहीं किया जाता, और ना ही जज किया करो, ये आपके लिए ख़तरनाक होगा, आपकी औलाद के लिए ख़तरनाक होगा।